सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर। सबसे पहले लिख लो, मतलब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, पहले वो सारी चीज समझना बहुत अच्छे से, क्लियर। तो सर्कुलेशन में अपने को क्या पढ़ना है, तो मेनली अपने को सर्कुलेशन में क्या पढ़ना है, सर्कुलेशन में अपने को पढ़ना है वायर्स, ठीक है। क्या पढ़ना है, हार्ट, ठीक है। सर्कुलेशन में क्या पढ़ना है, हार्ट। और ये हार्ट ऐसा पढ़ना है, किसने बताया था, विलियम हार्वे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। क्या बोलेंगे, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, क्लियर। ये बोलेंगे फादर ऑफ, बोला सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जितना लिक्विड मटेरियल है, क्या हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल है, तो लिक्विड मटेरियल में यदि हम अपने बॉडी के अंदर बात करें, तो आपको मेनली क्या मिलेगा, ब्लड और लिम्फ। आपको अपनी बॉडी के अंदर यदि हम बात करें लिक्विड मटेरियल, तो क्या मिलेगा, ब्लड और लिम्फ। अब इन दोनों ब्लड का अलग से वाटर भी होगा और अदर जो थोड़ा बहुत रहते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे क्या होता है, ब्लड और लिम्फ, जिन दोनों के कंपोजिशन में वाटर तो रहता ही रहता है। दोनों के कंपोजिशन में क्या रहता है, वाटर रहता है। यदि हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड और लिम्फ के बारे में स्टडी करना है, हमको हमारे इस चैप्टर में सिर्फ क्या स्टडी करना है, हार्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट के डिस्कवर किनने किया था, हार्ट के बारे में बताया कौन था, और जिनने बताया था उनको क्या बोलते हैं, तो हार्ट के बारे में बताया था विलियम हार्वे। क्या बताया, कौन बताए थे, विलियम हार्वे, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी। अब यदि हम बात करें हार्ट के बारे में जो विलियम हार्वे ने बताया था, तो अपन देखेंगे मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में दोनों में यदि हम बात करें हार्ट का वेट कितना होता है, तो मेल में हार्ट का वेट कितना होगा, 320 ग्राम, और फीमेल में होगा 280 ग्राम। क्लियर हुआ, इतना वेट होता है, 320 ग्राम अपने दिल का वजन होता है, 320 ग्राम हार्ट का, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें तो उन्होंने बोला था जो हमारा हार्ट है, तो ये वाली जो इसका बेस है, हार्ट का जो बेस है वो होता है 9 सेंटीमीटर, और हार्ट का जो लेंथ है वो होता है 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, मतलब कि इसके लिए कोई इतना, क्लियर। और यहां 12, मतलब कि यहां तक, या तो इसको आप ऐसे खींच सकते हो, यहां मतलब कि जो अपना हार्ट होता है एकदम एक्यूरेट ऐसे होता है, देखो ऐसे, मतलब ऐसे कुछ, इतना होता है हार्ट, मुट्ठी से बड़ा है हार्ट, जो है मुट्ठी से बड़ा है वो, मुट्ठी से मतलब, तो मुट्ठी भी लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है ना, तो जो हार्ट अपना है ये इतना यहाँ पे मिड पॉइंट में है, मुट्ठी से बड़ा होता है अपना हार्ट, क्लियर। चलो ये हो गया हार्ट, इधर 9 सेंटीमीटर, इधर 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे हार्ट का साइज, और हमारे हार्ट का हो गया वेट। अब हार्ट की हम देखेंगे पोजीशन, क्या देखेंगे, पोजीशन। तो हार्ट की जो पोजीशन होती है, तो जैसे देखो ये अपनी बॉडी है, क्या है, ये अपनी बॉडी है, बॉडी में ये अपना सर है, ये अपना लंग्स वाला एरिया है, ये अपना पेट वाला एरिया है, यहाँ नीचे पैर हैं, क्लियर। तो जो अपना ये वाला एरिया है, हम इसको बोलेंगे क्रेनियल बॉक्स, क्या बोलेंगे, क्रेनियल
इसको हम बोलेंगे थोरैसिक कैविटी। लास्ट वाले को हम बोलेंगे एब्डोमिनल। क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर हुआ? यदि हम बात करें हार्ट की तो थोरेसिक कैविटी में ब्रेन है, सॉरी क्रेनियल बॉक्स में ब्रेन है, थोरेसिक कैविटी में क्या है? हार्ट है, और यहाँ एब्डोमेन में इंटेस्टाइन, लिवर और ये सारी चीज़ें। तो हमारे देखो हार्ट के बारे में हमको क्या पता चला कि जो सर तुमको वहाँ से नहीं दिख रहा, तुम इधर आ जाओ ना, यहाँ बैठो यहाँ, क्योंकि उधर आएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इधर आ जाओ। तो ये मान लो कि जितना मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ूंगा, जैसे मैंने स्केल्टन पढ़ा, मसल्स पढ़ा, अब सर्कुलेशन पढ़ रहा हूँ, मतलब एनिमल के बारे में जितने भी चैप्टर मैं पढ़ूंगा ना, तुम लोग ना तो एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ोगे, सीड भी नहीं कर पढ़ोगे, फिर भी तुम किसी लेवल का बुक करोगे, तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम वैसे बहुत डीप पढ़ने वाले। सिर्फ जितना मैं क्लास में बोलता हूँ ना, उतना कॉपी में लिखते जाना, तुम्हारे सीट के एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो, तो मैं क्या बोला, यदि मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है? हार्ट। कितने मीटर इसका चौड़ा कितना होता है? 9 सेंटीमीटर। लंबा कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। मेल का वेट कितना होता है? 320। फीमेल में 280 ग्राम। क्लियर? किन्ने बताया था? विलियम हार्वे ने, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। क्लियर? और जो हमारा हार्ट का पोजीशन होता है, तो हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है? थोरेसिक कैविटी। क्लियर? मतलब ये इतना जो अपना ये वाला पार्ट है, यहाँ लंग्स होते हैं, अब बीच में यहाँ कहीं कहाँ होता है? हार्ट। तो थोरेसिक कैविटी कहाँ होता है? एकदम मिडिल में होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि थोरेसिक कैविटी में हार्ट कहाँ होता है, तो थोरेसिक कैविटी में हार्ट एकदम बीच में होता है, जो लेफ्ट साइड लिटिल टिल्ट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड मुड़ा होता है, लेकिन पोजीशन कहाँ होती है उसको? मिडिल में रहता, बीच में ही है। क्लियर? अब इसके बाद यदि हम बात करें कि जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट का मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है मेन हार्ट का? यदि हम हार्ट का मेन फंक्शन की बात करें, तो ये काम करता है पंपिंग ऑफ ब्लड। क्या काम करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। अब यदि ये ब्लड पंप करेगा, तो हमारी बॉडी में आपको पता है 3 टाइप्स का ब्लड होता है। वैसे तो नॉर्मली हम 2 टाइप का स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम हायर लेवल में जाते हैं तो 3 टाइप बोलेंगे। पहला हमारी बॉडी में प्योर ब्लड होता है, और दूसरा हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड होता है। अब समझिएगा मेरी बात, यदि हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, उसके पहले ब्लड को लेगा भी तो लगातार पंप करता रहेगा क्या? अपन ने कभी सुना है क्या? नॉर्मली यदि अपन लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, यही पढ़ते हैं ना। अच्छा, यदि मैंने बोला किसी चीज की मैंने पंपिंग किया, मतलब लिया कि दिया? नहीं, नॉर्मली यदि हम लोग बोले कि जैसे हम लोग नॉर्मली कहीं पंप वगैरह लगाते हैं, जो भी हम लोगों की जो पंपिंग होते हैं, तो नॉर्मली क्या पढ़ते हैं हम लोग? पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को बाहर निकाला। हम लोग एक चीज स्किप कर जाते हैं, क्या? लिया है तभी तो बाहर निकालना है। क्लियर? तो हम इसको भी यहाँ देखेंगे, मतलब तुम्हारे सारे पॉइंट हम यहाँ कवर करते जाएंगे। क्लियर? तो हमको पहले इतनी चीज़ बहुत बेसिक सी मासूम सी चीज़ है, क्लियर, कि जो हमारा सर्कुलेशन होता है किसका? ब्लड और लिम्फ, दोनों लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड का हमारी बॉडी में उन सर्कुलेशन होगा, असर्कुलेशन होगा। जब सर्कुलेशन होता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड का पंपिंग करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए क्या ज़रूरत है? मतलब ऐसा क्या चीज है कि सर्कुलेशन जरूरी ही है? क्यों पहुंचाएंगे पूरी बॉडी में ब्लड? पहले से भरा है तो भरा रहने दो ना। इसलिए कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है, जिस वजह से उस जगह का जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर हो जाता है। तो उसको प्योर करने के लिए, मतलब उसको प्योर ब्लड वहां तक भेजने के लिए और इम्प्योर ब्लड वहां से हटाने के लिए पंपिंग ऑफ जरूरी होता है। क्लियर? अब देखो एक बार और, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से, क्वेश्चन ऐसा पूछता है जितना हमारा इसका ओरिजिन है, हार्ट का जो ओरिजिन है कैसा होता है? हार्ट का ओरिजिन मीजोडर्मल, मतलब कि ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम आर मीजोडर्म। हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? मीजोडर्म,
बट जो हम लोग गलत करते हैं क्या, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स क्या होता है? एंडोडर्मल। देखो जो नए बच्चे हैं वो देखो, जब बच्चा बनता है ना, जब बच्चा बहुत पेट में होता है, बहुत छोटा होता है, तो हमारी बॉडी में तीन लेयर्स होती हैं। मतलब जब बच्चा बन रहा होता है तीन ऐसी लेयर्स होती हैं। बाहर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को मीजोडर्म, अंदर वाले को एंडोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनती है। तो जितना भी हमारा सर्कुलेशन वाला पार्ट है, पूरा का पूरा क्या होता है? मीजोडर्म। यदि आपको पूछता है कि मतलब हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हार्ट आता है और हम आंसर पटक देते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म दे देते हैं, लिंक क्लियर। लेकिन याद रखना, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये दोनों एंडोडर्म होता है, बाकी की चीजें क्या होती हैं? मीजोडर्मल होती हैं, ठीक है। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, ये अपने ह्यूमंस के लिए नहीं है, ऑल लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारा जो सर्कुलेशन होता है दो टाइप्स का होता है। एक क्या होता है, ऐसा ले लो, इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है एक्सटर्नल सर्कुलेटरी सिस्टम। इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इनसाइड द सेल। क्या होता है यहाँ पे? इनसाइड द सेल, मतलब कि कौन से वाले में? यूनिसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, जैसे एग्जांपल ले लो अमीबा, अमोइबा, पैरामीशियम, इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कैसा होता है? इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या आ जाएगा अपना? मल्टी सेलुलर। क्या आ जाएगा? मल्टी सेलुलर, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल, इनमें सेल के बाहर होता है। इसी ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी इतना करो कि जो हमारा सर्कुलेशन होता है, मतलब सर्कुलेशन मतलब क्या? सर्कुलेट होना, ब्लड का और लिम्फ का सर्कुलेट होना क्या कहलाएगा? हमारा सर्कुलेशन। तो जो बहुत छोटे मतलब अमीबा वगैरह जो रहते हैं ना, उनके सेल के अंदर ही होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें सेल के बाहर होता है। इसी तरह दो टाइप्स के और होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो पहले इसको लिखो, फिर ओपन और क्लोज लिखवाते हैं। फटाफट एग्जाम्पल लिखते जाओ, इंटरनल सर्कुलेशन और एक्सटर्नल सर्कुलेशन। इंटरनल में इनसाइड द सेल, और वहां पे आउटसाइड ऑफ द सेल। मैंने भाई ये ना, यहाँ से बढ़िया चीज आएगा। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक तो होता है ओपन सर्कुलेशन। क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये बॉडी है, ये किसी की बॉडी है ओपन सर्कुलेशन में, तो इस बॉडी में क्या होगा? आप प्योर ब्लड अंदर लाइए, O2 वाला, क्लियर। और ये हमने O2 वाला ब्लड अंदर लाया, यहीं पे ब्लड हमारा इम्प्योर हो गया। कैसा हो गया? इम्प्योर हो गया। और ये वाला देखो ना, प्योर और ब्लड, आपने प्योर इतनी मेहनत से प्योर किया, और यहीं पे ये क्या हो गया? मिक्स हो गया, ठीक है। तो और यहाँ से हमने CO2 वाला ब्लड बाहर भेजा। तो जहां पे कोई भी उनके अलग अलग चैम्बर्स नहीं होते, जहां पे एक ही जगह में प्योर भी रहता है और इम्प्योर भी रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन। यदि मैं बात करूं क्लोज सर्कुलेशन की, यदि हम बात करें क्लोज सर्कुलेशन की, तो क्लोज सर्कुलेशन नॉर्मली कैसा होता है? देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं। क्या डेवलप हो जाती हैं? ब्लड वेसल्स। अब मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे हमारी क्या डेवलप हो जाती हैं? ब्लड वेसल्स, मतलब आपकी प्योर वाली ब्लड अलग है, इम्प्योर वाली ब्लड अलग है। याद रखना, जब भी मैं कहीं भी पूरे डायग्राम में, यदि ब्लड में हम प्योर की बात करेंगे तो प्योर को हम रेड कलर से बनाएंगे, और इम्प्योर की बात करेंगे तो कैसे बनाएंगे? ब्लू कलर से बनाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा क्लोज सर्कुलेशन, और ये हो गया ओपन सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन मतलब क्या? कि ब्लड जो होगा हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। कहाँ होगा? ब्लड वेसल्स में, मतलब प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होगा, ठीक है। किस कौन से वाले में? क्लोज वाले में। ओपन वाले में ब्लड मिक्स हो जाएगा, और यदि ब्लड मिक्स हो गया ना, मतलब वो एनिमल्स कमजोर है। और याद रखना, जब हम लोग एवोल्यूशन पढ़ रहे होते हैं ना, तो यहीं से ये बनता है। सबसे पहले क्या होता है इवोल्यूशन में?
ओपन हार्ट रहता है, ठीक है, ओपन हार्ट। देखो जब हम यदि इवोल्यूशन की बात करें, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना, इवोल्यूशन में पहले हार्ट हमारा नॉर्मली ऐसा रहता है, सिर्फ ऐसा ओपन, कैसा ओपन। इवोल्यूशन जब होता है तो जो वैरायटी, जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें स्टेबिलिटी आती जाती है ना, मतलब मजबूत होते जाते हैं। तो जैसे इवोल्यूशन में जाओगे तो पहले ऐसा था हार्ट, फिर ये हार्ट देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दो चैम्बर बन गए। कुछ टाइम बाद ये हार्ट कैसा हो गया, ऐसा हो गया, तीन चैम्बर बन गए। आगे जाके सबसे ज्यादा जो डेवलप है उनमें कैसा हो गया, चार चैम्बर बन गए। और ये अपन लोग हैं ह्यूमन, यहां पे कौन है, वीनस आर्टिस्ट को याद है, फिशेस, फ्रॉग, 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 फिशेस में ये है ना, ये बहुत बार आता है भाई, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन, और ये वाले, क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलेशन, ओपन और क्लोज। अब मेरी अपने को अब इस चैप्टर में पढ़ना है ब्लड वेसल्स। यदि अपना ब्लड वेसल्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो अभी हम हार्ट को यहां से 2 मिनट का ब्रेक करके पहले पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, आर्टरी में क्या डिफरेंस है, वेन में क्या डिफरेंस है, कैपिलरी क्या है, ये सारी चीजें अभी देखेंगे, क्लियर। तो इसको पहले नोट कर लो, ये इवोल्यूशन है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना तो स्टेबल होती जाएगी लाइफ, क्लियर, नोट कर लो। जो हार्ट में ना, तो अपने को देखो हार्ट में क्या क्या पढ़ना है, हार्ट की स्ट्रक्चर, क्लियर, स्ट्रक्चर में आपको कट सेक्शन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, कंडक्शन और एंडोडर्म, क्लियर। उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी में पढ़ना है, इम्पल्स रेगुलेशन, हार्ट रेट, ईसीजी और डिसऑर्डर, और यहाँ पे फंक्शन में पढ़ना है सिर्फ पंपिंग ऑफ ब्लड, क्लियर हुआ। इतना अपने को यहाँ पे हार्ट के बारे में स्टडी करना है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक चीज और बात करें, क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो आएगा ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फैटिक सिस्टम। मतलब ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों हमारी बॉडी में एक नेटवर्क रहता है, क्लियर। और जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम रहता है, जब भी आप इंटरनेट वगैरह में सर्च करोगे ना तो ये आपको पूरी बॉडी में रेड कलर का दिखेगा, और ये कैसा दिखेगा, ग्रीन, ग्रीन, क्लियर, ये आपको दिखेगा ग्रीन कलर का। चलो मैं आप लोगों को कोडिंग बता देता हूँ, ये कलर कोडिंग बता देता हूँ, जब भी आप नेट में सर्च करोगे ना तो आप इतनी चीज को फॉलो करना, क्लियर। जब आप नेट में कभी देखोगे किसको, आर्टरी को, तो आपको दिखेगी रेड कलर की, क्लियर। आप यदि देखोगे वेन को तो आप कैसी दिखेगी, ब्लू कलर। आप देखोगे मसल्स को कैसे दिखेगी, ब्राउन कलर। आ यदि आप देखोगे नर्व्स को, नर्व कैसी दिखेगी, एलो, कैसे दिखेगी, एलो। यदि आप देखोगे लिम्फ को तो लिम्फ कैसा दिखेगा, ग्रीन। ये हमारी बॉडी में कलर कोडिंग होते हैं, आप कहीं भी किसी भी डायग्राम देखोगे ना, जब आप पढ़ोगे ना तो इस कलर की ये सारी चीजें दिखती हैं, क्लियर। क्यों इस कलर की दिखती हैं, जब हम पढ़ेंगे इधर तो इनको बताते जाएंगे साथ में, क्लियर हुआ। तो जो हमारा सर्कुलेशन ऑफ अपनी बॉडी, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, दो टाइप का सर्कुलेशन होगा, एक ब्लड वेसल्स करेगी, एक लिम्फेटिक वेसल्स करेगी। जो ब्लड वेसल्स है किसको सर्कुलेट करेगी, नाम से ही पता है, ब्लड को, और ये किसको करेगा, लिम्फ को। लिम्फ देखे हो, लिम्फ नहीं देखे, देखे हो, चोट लगने के बाद पानी का लगा ट्रांसपेरेंट, जैसे चोट लगी कहीं सूख गया पानी का लगा कुछ निकलता है, वो हमारा होता है लिम्फ। क्या होता है, लिम्फ, जिसको हम सीरम भी बोलते हैं, जो एंटीबॉडी वहां पे रहती है, क्लियर। और ये हमारा ब्लड तो सबको पता ही है, ठीक। अब हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एग्जाम्पल, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड को सर्कुलेट करेगा और ये लिम्फ को करेगा, गुड, नोट कर लो। अब देखो जो इसका एग्जाम्पल है ना बेटा, जैसे यदि हम बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, हार्ट के पहले, ह्यूमन हार्ट के पहले जितनी चीजें बता रहा हूँ सिर्फ उनके एग्जाम्पल याद रखना है, क्लियर। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, सिंगल हार्ट सर्किट, क्लियर। सिंगल हार्ट सर्किट में क्या होता है, देखो हमारा एक रहता है वेंट्रिकल और एक रहता है ऑरिफिस,
और है ना, एक वेंटिकल एक ओरिकल। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा हमारा सिंगल आर सर्किट में, देखो जैसे ये हो गया हमारा ओरिकल और ये हो गया हमारा वेंटिकल, क्लियर। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा ये हार्ट है, ये हार्ट है, क्लियर। ये हार्ट है इनमें सिंगल हार्ट सर्किट में, जिनकी एक ही सर्किट होती है। तो ये हार्ट है और हार्ट में क्या होता है, यहाँ से ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंटिकल में। वेंटिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ऑर्गन में। कहाँ जाएगा, ऑर्गन में। तो यहाँ से कैसा प्योर ब्लड आएगा कि इम्प्योर, इम्प्योर ही आएगा। क्यों, क्योंकि प्योर हुआ ही नहीं है। तो इम्प्योर मतलब कि हम इसको ऐसे कर देते हैं, चलो कैसे कर देते हैं, यहां से हमने ले आया ब्लू कलर, ये ऑर्गन है, ठीक है, और ये ब्लड यहाँ जाएगा हमारा फिर से ऑरिकल में। तो सिंगल हार्ट सर्किट में क्या होता है कि हमारा ऑरिकल से ब्लड जाता है वेंटिकल में, वेंटिकल से आता है ऑर्गन में, ऑर्गन से फिर से ऑरिकल, ऑरिकल से फिर से वेंटिकल और फिर से ऑर्गन, क्लियर हुआ। पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड इनके ब्लड रहता है सिंगल हार्ट सर्किट वाले में, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंगल हार्ट सर्किट किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल होगा इसका फिश में होता है ये, इस तरह के हार्ट का। एक और नाम है बताओगे क्या, वीनस हार्ट, बहुत बार एग्जाम में आता है। इनमें वीनस हार्ट होते हैं और ये ऐसा भी कर सकते हो, पता है, यहाँ गिल्स होते हैं इनमें, क्या होते हैं, गिल्स। और ये गिल्स से थोड़ा बहुत प्यूरिफाइड होके ऐसे भी आ सकता है, ये गिल्स से यहाँ प्यूरिफाइड होके ऐसे आ जाता है ना, यहाँ पर ये गिल्स होते हैं सिंगल हार्ट सर्किट। मतलब यदि आप यहाँ बात करो तो यहाँ पे ब्लड कैसा होता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड, क्लियर। यहाँ कैसा होता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड प्लस ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब कि प्योर, ये नॉन ऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर, और ये हो जाएगा प्योर। वीनस हार्ट जो होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, याद रखना बहुत बार। ये यहाँ से कैसा, इम्प्योर ब्लड लेता है और इम्प्योर ब्लड बाहर निकालता है, दोनों क्लासेस में, क्लियर। फिर अब हम पढ़ेंगे सिंगल हार्ट सर्किट के बाद डबल हार्ट सर्किट। डबल हार्ट सर्किट किसमें होता है, फ्रॉग। ये बहुत मजेदार चीज है, बहुत बार आता है, क्लियर, फ्रॉग। तो सबसे पहले डबल हार्ट सर्किट में हम क्या बना देते हैं, ऊपर बना दिए लंग्स, क्या बना दिए, लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, जो इम्प्योर ब्लड होता है लंग्स उसको क्या कर देते हैं, प्योर करते हैं। तो लंग्स में होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन, और ये प्योर ब्लड लंग्स से कहाँ आएगा, अपने हार्ट में कहाँ आएगा, ये लंग्स के लंग्स से आता है हार्ट में। इसके तीन चैम्बर होते हैं हार्ट के, कितने चैम्बर होंगे, तीन। ये वाला होगा हमारा ऑर्बिकल, ये वाला होगा वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल होगा, ये होगा राइट ऑर्बिकल, ये होगा लेफ्ट ऑर्बिकल, ये होगा वेंट्रिकल, क्लियर, अब समझना। और नीचे हमारा क्या है, ऑर्गन। इसकी बहुत अच्छी सी चीज समझना, क्लियर। जब देखो हमारे लंग्स में ब्लड का क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन, क्या हुआ ब्लड का यहाँ, प्यूरिफिकेशन, मतलब यहाँ से हमारा प्योर ब्लड आया, कैसा आया, प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड यहाँ से कहाँ गया, ऑर्गन में, कहाँ गया, ऑर्गन में। तो जब ये प्योर ब्लड ऑर्गन में जाएगा तो मिक्स ब्लड जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि देखो ये वाले में प्योर था, इसमें मतलब इस वाले में इम्प्योर ब्लड है, यहाँ प्योर ब्लड है, तो यहाँ से ये यहाँ आएगा और यहाँ से ये यहाँ आएगा, तो यहाँ मिक्स हो गया ना वेंटिकल में। तो जो हमारे मतलब यहाँ से कौन सा ब्लड जाएगा,
डीऑक्सीजनेटेड प्लस ऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्सअप ब्लड जाएगा, मतलब कि यहाँ पे प्योर प्लस इम्प्योर, क्लियर, यहाँ से प्योर प्लस इम्प्योर, और ये प्योर प्लस इम्प्योर ऑर्गन में गया, और ऑर्गन में कैसा हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड, कंप्लीट डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये हमारा इम्प्योर ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड यहाँ आया, यहाँ फिर मिक्स हो गया, तो यहाँ से फिर कैसा जाएगा, दोनों ये यहाँ पे प्योर होने, ये क्लियर। तो ये हो गया कैसे, प्योर प्लस इम्प्योर, और ये हो गया इम्प्योर, समझना बड़ी मजे की चीज, यहाँ पे हमारा इम्प्योर और यहाँ हमारा प्योर, बाकी यहाँ मिक्सअप यहाँ मिक्सअप, मतलब समझना मेरी बात ध्यान से, लंग से प्योर ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में, लंग से प्योर ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में, हार्ट से हमारी बॉडी में ऑर्गन में जाता है मिक्स ब्लड, समझना कहाँ जाता है, मिक्स ब्लड, ऑर्गन से हार्ट में कैसा जाता है, इम्प्योर ब्लड, लेकिन हार्ट से लंग्स में कैसा जाता है, मिक्स ब्लड। तो इस तरह का जो होता है ये कहाँ होता है, फ्रॉग में, कहाँ होता है। एक चीज और जो फ्रॉग के लिए बहुत बार आता है, यहाँ पे बेटा बीच में स्किन होती है, और स्किन में भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है फ्रॉग के, और यहाँ से थोड़ा बहुत क्वांटिटी है स्किन से भी यहाँ जाती है, जो कि नीट में आने के चांस है। नॉर्मल तो अपने को पता ही है, लंग्स में प्योर होगा, लंग्स से कहाँ जाएगा, ऑर्गन में, ऑर्गन से हमारे ये चीजें, लेकिन ये वाला ज्यादा पॉइंट नोटेड करना, क्लियर। तो ये हो गया फ्रॉग का, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो ना। अच्छा, 9th-10th की चीजें पता है क्या, आर्टरी और वेन, थोड़ा थोड़ा नहीं पता तो एक बार रिविजन कर लो। यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में किस टाइप का हार्ट होगा, तो यदि हम ह्यूमन की बात करें तो हम इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कैसा रहेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बहुत बार एग्जाम में आता है, एक बार रिवीजन कर लो थोड़ा सा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखो, जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरी में फ्लो होता है, कहाँ फ्लो होता है, आर्टरी में फ्लो होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वेन में फ्लो होता है, कहाँ फ्लो होता है, वेन में। अब आर्टरी और वेन दोनों को हम एक साथ बोल देंगे क्या, बोलो बोलो, ब्लड वेसल्स, क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स, क्लियर। अब आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, क्या चीज डिफरेंस है कि ये आर्टरी है ये वेन है, तो समझना मेरी बात। मैं यहां पहले बना रहा हूं आर्टरी का डायग्राम, ये हो गई वेन। अब जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी की वॉल थिक होती है, ये आर्टरी है और ये वेन है। मेन डिफरेंस जो होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है लेकिन आर्टरी की वॉल थिक होती है, वॉल थिक होती है, वॉल थिन होती है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और यहाँ वॉल्व अब्सेंट होते हैं, क्लियर हुआ, समझना मेरी बात। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूँ कि आर्टरी और वेन में किस में ब्लड ज़्यादा फोर्सफुली फ्लो होता है, आर्टरी में और वेन में किन में ब्लड ज्यादा फोर्सफुली ज्यादा तेज से फ्लो होता है, आर्टरी, क्यों, क्योंकि इसकी ल्यूमेन कम है और इसका ल्यूमेन ज्यादा है। जैसे नॉर्मली एक मोटा पाइप है, मोटे पाइप में यदि पानी धीरे धीरे जा रहा है, आप पाइप दबा दोगे तो पानी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा ना, क्लियर है, पानी उतना ही है। एक इतना मोटा पाइप है उससे एक घंटे में जितना पानी निकलना है, एक पतले पाइप से एक घंटे में उतना ही पानी निकलना है, तो पतले पाइप में फिर क्या होगा, ज्यादा तेज पानी, ज्यादा फोर्सफुली पानी फ्लो होगा। तो हमारी जो आर्टरी होती है इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यहां पे जो ब्लड है
तो इसका फ्लो बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत तेज ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत स्लो होता है। क्लियर हुआ? मतलब कि ये बहुत, मतलब यहाँ पे वॉल्व ऐसे फ्लो होता है, देखो जैसे ये हमारी वेन है ना, ये वेन है, तो वेन के यहाँ वॉल्व लगे होते हैं, तो ब्लड यदि ऐसे कर दो तो ब्लड ऐसे फ्लो होगा, ऐसे ऊपर ऊपर जाके धक्का के थ्रू, लेकिन यहाँ प्रेशर से फ्लो होता है ब्लड। क्लियर हुआ? तो हमारा जो हार्ट में, मतलब कि क्या क्या हमको मिलेगा, आर्टरी और वेन। आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड, और वेन में कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड। इन दोनों के एक एक एक्सेप्शन है, याद है? ठीक है, सुनो, यदि हम बात करें इम्प्योर ब्लड, तो मैंने क्या बोला, वेन में इम्प्योर ब्लड, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी होती है तो आर्टरी, लेकिन ब्लड कैसा, इम्प्योर। क्लियर? एक और होती है, बोलो कौन सी, पल्मोनरी वेन होती है तो वेन, लेकिन ब्लड कैसा, प्योर। क्लियर? छोटे मोटे एग्जाम के लिए यही सफिशियंट है। हमारे नॉर्मली आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर, वेन में कैसा, इम्प्योर, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर हुआ? नोट करते जाओ फटाफट। अपने को अब जैसे देखना है यहाँ पे सिस्टेमिक, ये याद रखना, ये पहले एनसीईआरटी का डायग्राम आता था, बना फूल टाइप का डायग्राम बना है, पहले इसको समझो। क्लियर? तो जो पुराने बच्चे उनको तो पता, लेकिन नए बच्चों को बहुत अच्छे समझना है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने सबसे पहले बना दिया बेटा लंग्स, क्या बना दिया, ये हो गए अपने, ये हो गए लंग्स, क्या हो गए, ये लंग्स हो गए। क्लियर? लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, क्या होगा, प्यूरिफिकेशन, मतलब कि O2 और CO2 का एक्सचेंज लंग्स में होगा, मतलब लंग्स में, अली ना इधर, लंग्स में ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। यदि प्योर ब्लड है तो उसके पास O2 ज्यादा है, इम्प्योर ब्लड है तो CO2 नहीं, CO2 है ज्यादा तो ऑक्सीजन ही है, चाहे आप प्योर, हाँ फ्लो फ्लो में भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है, चाहे ब्लड प्योर हो चाहे ब्लड इम्प्योर हो, दोनों केस में O2 है। यदि ब्लड प्योर है तो 100% O2 है, और ब्लड यदि इम्प्योर है तो 75% O2 है। अभी आगे और अच्छा पढ़ेंगे, क्लियर, याद आना, याद रखना। तो ये मैंने बना दिया क्या यहाँ पे, लंग्स बना दिया। क्लियर? लंग्स के नीचे जस्ट मैंने बना दूंगा हार्ट, लोग लग रहा होगा सर ने ग्रीटिंग कार्ड में बहुत प्रैक्टिस किया है, टेढ़ा है, टेढ़ा है, ये लो बुराई मत कर देना भाई। टेढ़ा मैं जानबूझ के बनाया हूं। ये क्लियर? और नीचे हो जाएंगे ऑर्गन, क्या हो गए नीचे ऑर्गन, मतलब अपनी पूरी बॉडी। क्लियर? अभी बहुत प्यारा, मजा आएगा एकदम शानदार, समझो मेरी बात ध्यान से। अब ये हमारा लंग्स में क्या हुआ, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। यहां से दो कैसे, मतलब रुक जाओ, इसको थोड़ा और कलाकारी कर देते हैं, पहली बात तो जो हार्ट होते हैं, हार्ट के चार पार्ट होते हैं, इस वाले पार्ट का क्या नाम है, राइट ऑरिकल, इस वाले का क्या नाम है, लेफ्ट ऑरिकल, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम है राइट वेंट्रिकल। क्लियर हुआ? अब क्या होता है, देखो लंग्स के इस वाले पार्ट से कैसा ब्लड आता है, प्योर ब्लड, कैसा ब्लड आता है, ये यहां से आता है प्योर ब्लड, और किसके थ्रू आता है प्योर ब्लड, तो यहां पे आते हैं राइट
प्लस लेफ्ट पल्मोनरी वेन। नॉर्मली वेन में कैसा ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहां भी कैसा है? प्योर। तो आर और एल मतलब समझ गए, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड आता है? प्योर। कहां से? लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। अब नाम बोलना है, अभी नाम नहीं पता था, अब पता है। तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और निकलता है बड़ी सी, जिसको हम बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। क्या निकलता है? आर्च ऑफ, इस आर्च ऑफ एओर्टा की बहुत सारी ब्रांचेस रहती है जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस कहाँ आ गई? हमारे बॉडी में, ऑर्गन्स में आ गई। अब ऑर्गन्स में यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है, तो ऑर्गन में उस प्योर ब्लड का यूज होगा और वो प्योर ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्योर। समझना मेरी बात, यदि हमारा ब्लड ऐसा है O2, ये RBC है। क्या है ये? RBC का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। इसके अंदर जो चार ऐसे डंडे हैं ना, ये हीमोग्लोबिन है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। समझना, हीमोग्लोबिन की चार बाइंडिंग साइट होती हैं। यदि इस तरह का हमारा ब्लड है, यदि इस तरह का ब्लड है, तो ये हमारा होगा प्योर। कैसा होगा? मतलब कि यहाँ से ये ब्लड यहाँ तक कैसा है? इस तरह है। अब जैसे ये वाला ब्लड पहुँचेगा कहाँ पे? बॉडी में, तो हम लोग लेंगे रेस्पिरेशन। क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। जैसे रेस्पिरेशन लेते हैं तो CO2 रिलीज होती है। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो क्या, अब जैसे मान लो पैर में रेस्पिरेशन हुआ, मतलब कि पैर में वो प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन वाली, तो वहाँ जो CO2 निकली, पहले लंग्स में आई होगी तब ना मुंह से निकली, तो वहाँ से जो CO2 आती है वो कुछ ऐसे, देखो O2, CO2, ये हो गया इम्प्योर। समझ में आया? तो देखो, प्योर ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है और इम्प्योर में भी ऑक्सीजन ज्यादा है। ऐसा नहीं कि इम्प्योर वाले में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ भी ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन यहाँ के कंपेयर में कम है। ये हो गया हमारा कैसा? इम्प्योर। अब इम्प्योर ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा? इसको हम ब्लू कलर से बनाएंगे क्योंकि इम्प्योर ब्लू से है ना। तो ये हमारा इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में दो जगह से जाता है, ये एक होता है सुपीरियर वेना काबा, एक होता है इंफीरियर वेना काबा। सुपीरियर वेना काबा और इंफीरियर वेना काबा, अभी हम इनको बता देंगे, अभी SVC और IVC बोल सकते हो, क्लियर। तो कहाँ आया हमारा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से अब ये बताओ, इधर इम्प्योर है, राइट ऑरिकल से ब्लड हमारा कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में है ना, ये कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में भी इम्प्योर ही है। और ये राइट वेंट्रिकल से यहाँ से एक आर्टरी निकलती है आर्टरी, और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। कहाँ जाता है? तो ये जो लंग्स में जाता है ना, तो जो हमारी ये वाली आर्टरी होती है, इसका नाम क्या है? ये तुम लोग समझ जाना ना भाई, राइट ऑरिकल समझ जाओगे ना, राइट वेंट्रिकल। ये हमारी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मली आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? प्योर। लेकिन ये कैसा ब्लड है? इम्प्योर। ये इम्प्योर ब्लड कहाँ चला गया हमारे? देखो लंग्स में। लंग्स में इसका फिर से क्या होगा? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन होके कहाँ आएगा हमारा? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब कि हमारे, बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमारे हार्ट का वो वाला एरिया जहाँ प्योर ब्लड फ्लो होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। कैसा? जहां साइड इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है? कोई बताएगा? जहां साइड इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है वो हमारा होता है पल्मोनरी। क्या होता है ये? पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, क्लियर। जहां साइड हमारा मतलब प्योर ब्लड होगा वो होगा सिस्टेमिक, जहां साइड इम्प्योर होगा वो होगा पल्मोनरी। तो ये हो गया हमारा
सिस्टेमिक, ये हो गया पल्मोनरी, ये हो गया हमारा सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नए बच्चों के हिसाब से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से समझो एक बार, क्लियर? क्या बताया मैंने? हमारा लंग्स है, लंग्स में क्या हुआ, हम इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। अभी तो मैं बस आउटलाइन, हमको पूरे लेक्चर में यही यही तो पढ़ना है, और क्या है, हार्ट में यही ना पढ़ना है, लेकिन इनको बहुत डिटेल से पढ़ना है। अभी सिर्फ याद रखो, पहले लेक्चर में हमारा क्या है कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स में ब्लड का होगा प्यूरिफिकेशन, अब प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन ना, अरे यार भूल गए, 100% दिमाग यहाँ, एकदम 100% यहाँ, क्लियर? हमारा क्या हुआ, लंग्स में ब्लड का प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगी कहाँ, राइट? अरे यार ठीक है, मतलब यहाँ पे लंग्स में क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च एओर्टा से बॉडी में जाएगा, और जो प्योर ब्लड था तो बॉडी में हो जाएगा इम्प्योर। कैसे इम्प्योर होगा हम बाद में देखेंगे, यहाँ हो जाएगा इम्प्योर, और ये इम्प्योर ब्लड बॉडी से कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल, किसके थ्रू, SVC मतलब सुपीरियर वेना कावा, और IVC मतलब इंफीरियर वेना कावा, क्लियर? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा थ्रू कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से कहाँ आएगा ये, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, पता है क्या करता है वो, क्या करेगा, तुमको एक सीक्वेंस लिख के दे देगा, ठीक है? क्या लिख के देगा, सीक्वेंस, इन वाले बॉल्ब का भी मैं नाम में बाद में बता दूंगा, एक सीक्वेंस लिख के दे देगा। अब बोलेगा कौन सा कौन सा, ये वाले को हम बोलेंगे बाइकॉस्पिड बॉल्ब, लिखी दो बाइकॉस्पिड बॉल्ब, और इनको हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड बॉल्ब, ट्राइकॉस्पिड बॉल्ब। तो क्या करता है, तुमको एक सीक्वेंस लिख के दे देगा, जैसे मैं सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, क्लियर? पहले बोलेगा हमारा, पहला बोलेगा पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल, बाइकॉस्पिड बॉल्ब, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्च ऑफ एओर्टा, फिर मतलब बॉडी ऑर्गन्स, फिर सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ट्राइकॉस्पिड बॉल्ब, राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स। ये पूरा एक सीक्वेंस लिख देगा। अब इस सीक्वेंस में क्या करेगा, इधर उधर चेंज कर देगा, क्लियर? पल्मोनरी आर्टरी की जगह पल्मोनरी वेन कर दिया, सुपीरियर वेन मतलब बाइकॉस्पिड की जगह ट्राइकॉस्पिड कर देगा, इस तरह चार ऑप्शन बना देगा। तो अपने को वहां मैच करना कौन सा ऑप्शन सही है, याद हो गया ना सबको, या पक्का ना याद हुआ कि नहीं, बिना देखे बोल सकती हो, बोलो। पल्मोनरी वेन से हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आर्च ऑफ एओर्टा से, नोट कर लो फटाफट, नोट करो, फिर मैं 2 मिनट से पूछता हूँ।